अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द गेमर्स, वेलकम बैक विद अनदर GTA 5 रियल लाइफ मोड्स वीडियो। तो यार फ़ोन पे इतने मैसेजेस किसके आए हुए हैं? ये क्या लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट है? ये क्या चक्कर है? जिमी का भी आए हुए हैं यार इतनी कॉल्स। जिमी को फ़ोन लगाता हूँ, क्या सीन है ये? ये रात को घर वापस नहीं आया, ये तो उठा ही नहीं रहा, इसका तो नंबर ही बंद है। खैर इधर फोन करता हूँ ये पुलिस डिपार्टमेंट से जहाँ से आया फोन। हेलो हेलो जी, जिमी का, जिमी टू सेंट, आपका बेटा? हाँ जी, आपका बेटा यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में लॉकअप में है। क्यों, क्या हुआ? ये क्या सीन है यार? जिमी लॉकअप में कैसे ना, जल्दी चलना जाना होगा हमें। यार शिट, मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए, ऐसे ही जाने लगा था। खैर मैं चेंज कर लूँ, खैर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। यार ये क्या सीन है, ये लॉकअप में क्या कर रहा है यार लड़का? हद हो गई है यार, अजीब काम करता है ये जिमी भी, पता नहीं क्या करने गया हुआ था ये हसन के साथ। गया तो ये कॉलेज था, ये लॉकअप में क्या कर रहा है जी बंदा? एक दफा ये मुझे मिल जाए, इसकी वो होनी है ना आज, याद रखेगा पूरी जिंदगी। लॉकअप में है ये और हसन रात को। यार ये कल कॉलेज गया था सुबह, उसके बाद शायद हसन के साथ घूमने फिरने गया था, लेकिन यार लॉकअप में क्या कर रहा है इसने और हसन ने किया क्या? या बस अल्लाह करे ठीक हों दोनों, कहीं छितर परेड ना हो रही हो दोनों की वहाँ पर, क्योंकि यहाँ की पुलिस का तो यही हाल है, वो छितर परेड पहले करती है बाकी चीज़ें बाद में। खैर चलो मैं पहुँच ही गया हूँ यहाँ पर। खैर मैं पहुँच गया हूँ, अब जाता हूँ अंदर, देखता हूँ क्या इस लड़के ने हरकतें की हैं। वो सामने ही ऑफिसर खड़ा है। अरे यार मेरे बच्चे को तो छोड़ दो यार, उसका क्या कसूर है? हेलो सर। हेलो जी जी, माइकल आप हैं? माइकल डिसेंटा? जी जी मैं ही माइकल डिसेंटा हूँ। वो आपका बेटा और गेन का बेटा जो है ना हसन और जिमी, वो दोनों लॉकअप में है नीचे। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन हुआ ऐसा क्या था? आप मेरे पीछे आए, आप मुझे ये तो बताएं हुआ क्या था। मैं बताता हूँ क्या हुआ था यार, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ रात को, वो पता नहीं तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को किसी के घर ले गया था और उसने पुलिस बुला ली, इस वजह से तुम्हारे बेटे की वजह से मेरा बेटा भी यहाँ पर लॉकअप में जूतियाँ खा रहा है। और चाचा यार तू तो चुप कर, तेरे से बाद में बात कहोगी, पहले मुझे देखने तो दे सिचुएशन क्या है, तू पहले बोल ले। हाँ मेरी कर ले, तेरे बेटे ने भाई मेरी बेटे की छितर परेड करवाई है आज। वो किधर है जिमी और हसन? तीसरे लॉकअप में है। आए सर आप मेरे साथ हैं। बचाओ यार हसन, ओ जिमी हसन, ओ रुक पागल, ऑफिसर क्या डंडे से मारे, पागल हो गया, बच्चे को मार रहे हैं, रुक। पापा बचाओ, पापा बचाओ यार, ये देखो ये क्या कर रहा है। अंकल बचाए, जिमी को मैंने कहा था अंकल ऐसा ना करे, लेकिन इससे मेरी बात नहीं सुनी है, मुझे उस घर ले गया और पुलिस आ गई ही। पापा मुझे माफ़ कर दे यार, गलती से हो गया था यार। अच्छा अच्छा हसन तुम ठीक तो हो ना? हाँ अंकल मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, लेकिन इस जिमी ने आज मेरी छितर परेड करवाई है, इसको नहीं छोड़ना मैंने। अरे तेरे बेटे की वजह से देख मेरा बेटा भी अंदर जूतियाँ खा रहा है। खैर आप दोनों ऊपर आ जाएं, आप इन दोनों को छोड़ें। यहीं ऑफिसर साहब आप इनको अब निकालें तो सही लॉकअप से। नहीं नहीं नहीं, जब तक सर नहीं कहेंगे मैं नहीं निकाल सकता, आप ऊपर आ जाएं। माइकल साहब मुझे नहीं पता यार, मेरा बेटा भी निकलवाओ यहाँ से।
हाँ हाँ चाचा तेरा भी हसन को भी निकलवाता हूँ यार, तू बस चुप कर जा बस। हाँ हाँ मैं चुप ही हूँ, निकल तू मेरा बेटा भी निकलवा। हाँ हाँ दोनों ही निकलेंगे बाहर, तुम चुप करो अभी फिलहाल। सर अंदर ही है? हाँ हाँ ऑफिस के अंदर ही है, चले जाओ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाए सर, आप भी आ जाए। हो गया, और मेरी क्या गलती है यार, मेरे घर के अंदर घुस आए हैं ये लोग। यार ऑफिसर साहब। मेरी बात सुने, देख ओ माइकल भाई, आप यार आपने तो घर खरीदना है मेरा वाला। अब ये कौन सा नया ड्रामा है, घर खरीदना है? ओ भाई ऑफिसर भाई आप चुप करें। माइकल भाई रात को आपका बेटा अपने एक दोस्त के साथ घर में घुसा है यार, मुझे लगा चोर आ गए हैं यार। वो पता नहीं घर दिखाने आया था, लेकिन मुझे लगा चोर आ गया, मैंने पुलिस को बुला ली, तो वो इसलिए ले आई पुलिस यहाँ पर। यार मेरे बच्चे को भी निकलवाओ ना, हसन को भी निकलवाओ, यार गलत खाता है, मेरे बच्चे ने भी निकलवाओ। हाँ हाँ चाचा तू चुप कर जा, हसन को भी निकालता हूँ, दोनों को निकालता हूँ। ऑफिसर साहब यार मामला ठीक है, अपने जानने वाले ही हैं, आप बस छोड़ दें बच्चों को, मैं निकलता हूँ ऑफिसर साहब। यार ये तुम्हारा नया ड्रामा है, पहले तुम कुछ और कह रहे थे, अब तुम कुछ और कह रहे हो। मैंने कह दिया ना बच्चों को निकालें। यार यार आप बच्चों को लेके आना, एक जिमी और हसन को बुलाओ ऊपर। यार जिमी दे सन ला के आते। जी जी सर मैं अभी लेके आया, मेरी कमबख्ती आई, कदी उत्ते कदी थल्ले। खैर छड्डो, किधर है वो मोटू पतलू दी जोड़ी? ओए मोटू पतलू दी जोड़ी आ जाओ तुसी दोवें, वो मोटू पतलू दी जोड़ी आ जाओ आ जाओ। चीमा साहब हुण तुहाडा काम खत्म हो गया इत्थे। ओ जमीन हसन आ जाओ। ओए जिमी शुक्र है बच गए यार। चल चुप कर, तू बकवास बंद कर यार, तूने मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी। जिमी मैंने तो नहीं करवाई यार, तो तूने ही तो करवाई है यार। मैंने मैंने कैसे करवा दी, तू लेके गया था मुझे उस घर में। हाँ हाँ मैं लेके गया था तुझे उस घर में। खैर छोड़, आ जा ऊपर जल्दी, आ यहाँ से निकले यार। शुक्र है जिमी बच्चा तो हो गई यार, तेरे पापा ने आके सब कुछ हैंडल कर लिया यार। देखा मैंने कहा था डिशेंटा की पावर तुम नहीं जानते। हाँ हाँ ओए वो किधर लाल शर्ट पतलू, जल्दी आ। तुम दोनों क्या ऐसे वैलेंटाइन की, वैलेंटाइन डे की जोड़ी बने हुए हो? खैर चलो सर, वो ले आया हूँ मैं इन दोनों को। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देखो सर अब आइंदा से तुम लोगों के बच्चों ने ऐसा किया ना डिसेंटा साहब, तो मैंने फिर इनको और छितर पेट करवाऊंगा। नहीं नहीं सर आइंदा से नहीं होगा। माइकल भाई यार एक काम तो कर दो, मुझे भी छोड़ दो यार घर तक। हाँ हाँ छोड़ दूंगा। जिमी बाइक किधर है तुम्हारी? वो पापा यार बाइक इनके पास है, ये कह रहे हैं शाम को देंगे। अच्छा खैर कोई बात नहीं, आ जाओ अब तुम लोग। शुक्र है यार इन दोनों बाहर आए, वरना काम तो ख़राब हो गया था। खैर चलो फाइनली ये दोनों बाहर आ गए, निकलते हैं आप गाड़ी में। यार इस जिमी को तो नहीं मैंने छोड़ना, इसकी मैंने आज बहुत क्लास लेनी है। और हाँ चाचा किधर उतारना है यार आपको? यार ये बस फ्लैट्स है ना आगे, वहीं उतार दो मुझे तो। हाँ हाँ अंकल बस आगे फ्लैट्स है, वहाँ उतार दे यार, इतनी दर्द हो रही है जिमी। हाँ हाँ बेटा जब डंडे पड़ेंगे तो दर्द होगी ही ना। हाँ अंकल आपको क्या पता, बहुत डंडे मारे हैं उन्होंने। और माइकल साहब तो सीख कर दे की हो। भाईजान मेरा गाड़ियों का शोरूम है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बस माइकल भाई यहीं उतार देंगे, ये देख ये अंदर फ्लैटों के उतारना है आपने, यही मेरा फ्लैट होता है, मैं यहीं रहता हूँ। कभी आना हुआ ज़रूर आइएगा, अभी मैं आपको पानी नहीं पूछ सकता क्योंकि वो ना घर में लाइट नहीं है।
नहीं नहीं कोई बात नहीं। ओके माइकल भाई अल्लाह हाफिज। ओके जिमी अल्लाह हाफिज। देखा मेरे दोस्त के पापा कितने अच्छे हैं, घर तक छोड़ने आए हमें। पूते चलो तेनू मैं अब तक दसना। ओके माइकल भाई अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा। तू तो पुत्र हूं उत्ते आ, तेरी छितर परेड हूं होएगी। हाँ पापा यार मैंने, मेरा कोई कसूर नहीं था यार, जिमी ने किया जो भी किया। जिमी ने किया जो भी किया, तू तो आ, तेरी छितर परेड होएगी आज, मैनू सुकून नहीं मिलना। ओ जिमी आगे आके बैठ, आगे आके बैठ। मुझे पता क्यों आगे बुला रहे हैं, इसलिए बुला रहे हैं ताकि मेरी बेइज्जती करेंगे। अब मुझे ये बता तू उधर करने क्या गया था। पापा आराम से यार, क्या कर रहे हो, गाड़ी मार दी यार। गाड़ी काम भर, गाड़ी कहीं नहीं बची, कुछ नहीं हुआ गाड़ी को। तू मुझे ये बता तू उधर करने क्या गया था उसके घर। पापा यार कुछ नहीं, अशन को दिखाने गया था बस, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए गया था। ऐसा वहाँ पर तूने किया क्या कि उसने पुलिस बुला ली? चोरों की तरह क्यों अंदर गया था, दरवाज़ा खड़का के भी जा सकता था ना। पापा वो दरवाज़ा लॉक था तो मैं इतने का अशन को, मुझे लगा कोई है ही नहीं अंदर। है ही नहीं अंदर, आज तूने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है ना जिमी, पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा। पापा यार अब जाने भी दो ना यार। जिमी तू घर चल, तेरी छितर परेड होगी। पापा यार ना करो यार, ना मारो, आगे इतने डंडे खा के आ रहा हूँ। जिमी तू देख, आज अमेंडा को भी पता चलेगा ये सारा कुछ। नहीं नहीं पापा यार प्लीज़, मामा को ना बताना, बहुत बेइज्जती करेंगी। एक ये कार्लोस का बच्चा दरवाज़ा ही नहीं खोलता आजकल, पता नहीं इसको क्या मसला हो गया। पापा यार ना करो यार, मामा को मत बताओ। जिमी तुझे अमेंडा से दो तीन जूते पड़ेंगे ना, तभी तू सीधा होगा। नहीं यार सॉरी ना। जिमी चुप कर जा। पापा सॉरी। जिमी बोली ना। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। खैर हमारे 3K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और 3K सब्सक्राइबर्स पर स्पेशल वीडियो आने वाली है, एक स्पेशल करेक्टर आने वाला है। तो खैर यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ MZB Gamer साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।